अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सबका स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा जो बारिश हुई है पिछले हफ्ते में, लगातार बारिशों से जो है भिवंडी का ही नहीं, आसपास के काफ़ी एरिया, यहाँ तक कि कोकण का जो पूरा एरिया, पूरा जो पट्टा था वो काफ़ी ग्रस्त हो गया। बाढ़ आ गई, वहाँ पे कहीं डैम टूटने की खबर आ गई थी, जिससे एक महाड़, चिपलून और ऐसे तीन चार बड़े बड़े जो एरिया है तो वो पूरे बाढ़ग्रस्त हो गए। वहाँ पे लोगों के पूरे घर बह गए हैं। वहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं। ऐसे में कई संस्थाओं ने, कई ऑर्गेनाइजेशन ने राहत बचाव का काम किया है, रिलीफ का काम स्टार्ट किया है। तो वैसे भिवंडी के अंदर भी एक भिवंडी रिलीफ कमेटी बनाई गई है, जो यहाँ से चिपलून के लिए, महाड़ के लिए, मतलब कोकण का जो एरिया है वहाँ के लोगों के लिए, जो भी बाढ़ग्रस्त है उनके लिए कुछ रिलीफ का सामान यहाँ से भेजेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे कवर करने के लिए आए, साथ ही साथ इनकी भी कुछ अपीलें हैं, वो थोड़ा सा आप सुनेंगे कि क्या ये अपील करना चाहते हैं भिवंडी वासियों के साथ। ये बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर आया था, जिसकी वजह से तबाही मचाई थी, और अभी यहाँ से भिवंडी से रिलीफ देखिए, ये हमारे दोस्तों की एक टीम है जो पूरी भिवंडी से हर इलाके से हमारे दोस्त हैं। हम लोग हर साल जब भी ऐसा कोई मसला खड़ा होता है पूरे देश में, तो हमारी ये टीम जो भिवंडी रिलीफ कमेटी के नाम से काम करती है, इसके पहले कोल्हापुर, केरला, कश्मीर, मुमरा, भिवंडी में ईदगाह रोड, दरगाह रोड, जहाँ भी इस तरह के मामला आते हैं तो हम लोग भिवंडी के तमाम आवाम के सहयोग से काम करते हैं। तो ये अब की बार भी जब कोकण में फ्लड आया तो हमारे हंगामी तौर पे हमने मीटिंग की और हमने फौरन एक ग्रुप बनाया। दो दिन पहले हमने तैयारी की थी और दो दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला ट्रक जो है भिवंडी से हमने रिलीफ का यहाँ से महाड़ के लिए, खास तौर से एक महाड़ के लिए हमने रवाना किया है। क्या क्या जरूरतों का सामान भेजा? देखिए, सबसे पहले तो तबाही इतनी बड़ी है कि जितनी चीज़ें भेजी जाए कम है, लेकिन बेसिक नीड्स जो वहाँ पर थी सबसे पहले, क्योंकि लोग अपने बदन के कपड़ों से बाहर निकले हैं, सब छोड़ दिया था लोगों ने, तो वहाँ खाने पीने का बिल्कुल कोई सामान नहीं था और पीने के पानी की बेइंतहा तकलीफ़ थी। तो यहाँ से फिलवक्त हमने पानी, दूध, बिस्किट्स और नाश्ते का सामान, टोस्ट, खारी बटर वगैरह, उसके अलावा सफाई का सामान, झाड़ू, खराटा और जो भी दूसरी आइटम लगते हैं वो आइटम है उसके अंदर। बच्चों के लिए खास तौर से हम लोग कुछ, हम लोग की तरफ से बच्चों के लिए वेफर, चिप्स वगैरह, लंच बॉक्स टाइप के जो पैकेट्स आते हैं वो है। उसके अलावा बच्चों के पैम्पर्स है और औरतों की ज़रूरत के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हमने उसमें रखी है। तकरीबन 14-15 टन का सामान अभी हमने यहाँ से रवाना किया महाड़ के लिए। ट्रक निकल चुका है जिस तरह आप देखेंगे इसमें, और रात में हम लोग यहाँ से 1 बजे जो मेरी टीम है, फराज बाबा, बाउद्दीन है, आसिफ मेमन है, अबरार पटेल है, राफिज कुंगले और मैं खुद, हम लोग सब मिलकर एक टीम हमारी यहाँ से जा रही रात में, ताकि जाके वहाँ के हालात का हम अच्छे से जायज़ा लेके वहाँ आखिर हुआ क्या और क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग रात में निकलने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और वहाँ से जब हम लोग वापस आएँगे तो फिर हमारी जो कमेटी बैठेगी उसके अलावा जो चीज़ें हमको और वहाँ लगने वाली है उसकी एक लंबी लिस्ट हमको वहाँ से आ रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने का सामान है, बर्तन है, रोज़मर्रा की बिस्तर है, कपड़े हैं, बच्चों के लिए दवाइयाँ हैं, दूध है, वो सब चीज़ें हमको जमा करना पड़ेगी। और ये आप भिवंडी वालों के सहयोग के बगैर मुमकिन नहीं है। और आगे का जो थोड़ा बहुत प्रोग्राम में हमारा है तो बाबा भाई आपको बताएँ कि हम लोग और किस तरह करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं भिवंडी के तमाम मेरे साथी, मेरे दोस्त, हमारे साथी, हमारे दोस्त जिन्होंने इस कार्यक्रम में मदद की, जो आज पहला ट्रक निकला है महाड़ के लिए रिलीफ का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इस काम को कबूल करे, उनको बेपनाह अजर दे। भिवंडी रिलीफ कमेटी नाम से आज पहला ट्रक हमने यहाँ से रवाना किया है, और भिवंडी रिलीफ कमेटी की ऑफिस हम खोल रहे हैं आयशा मेडिकल के सामने, हरमन चाय वाले के बाजू में जो टावर है वाइट कलर का, उसके नीचे गाला लिया गया है, वहाँ पे ऑफिस रहेगी। तो मैं तमाम भिवंडी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसको जो भी वहाँ मदद करनी है लोगों की,
कोकन के लिए, मदद से मुराद मेरी, कोकन से मुराद मेरी, उसमें तमाम ज़ात बिरादरी के लोग आ गए। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम को ही दूंगा, मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो मैं नॉन मुस्लिम को दूंगा। ये रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी जा रही है, ये इंसानियत की रिलीफ जा रही है। तो जो भी वहाँ पे ज़रूरतमंद है उसको इंशाल्लाह ये रिलीफ पहुँचेगी। तो मैं आपके माध्यम से तमाम भिवंडी वासियों को मैं एक आह्वान देना चाहता हूँ कि हमारे हाथ को अपने हमेशा मजबूत किया है। कश्मीर का वक्त हो, केरला का वक्त हो, कोल्हापुर का पूर हो, जब भी हमने आवाज़ दी आपने हमको मदद की। तो इस बार मदद कुछ ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आज हम जाके आएंगे इंशाल्लाह, रात में हम निकलने वाले, उसके बाद में 2 या 3 दिन में फिर से माल जाने वाला है। तो मैं भिवंडी वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मदद करें। एड्रेस मैं आपको फिर से कर रहा हूँ, भिवंडी रिलीफ कमेटी नाम से हमने ये कमेटी बनाई है, किसी इंडिविजुअल की नहीं है, भिवंडी शहर के नाम से बनाई गई है। इसका एड्रेस है आयशा मेडिकल के सामने, वंजर पाटी नाका, हरमन चाय वाले के बाजू में। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पे लोगों ने अपील किया है, और मैं भी आपसे पर्सनली अपील करना चाहता हूँ कि जो भी आपसे हो सके, जो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर आपसे जो भी हो सके इंसानियत के नाते, आप इसके अंदर मदद कीजिए। क्योंकि अगर ये हम आज मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं कल 4 लोग खड़े होकर हमारी मदद करने के लिए खड़े होंगे। तो इसीलिए हर किसी को जो है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो जितना हो सके यहाँ से कोकन के लिए जो बाढ़ग्रस्त है उन लोगों के लिए आप लोग मदद भेजें। ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेहमान, दवाइज से, थैंक यू।